بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلوات محمد ایک مرتبہ اور صلوات عزیز برادران انسانی برادران ایمانی برادران حسینی مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کوئی بھی با شعور و با ضمیر انسان برادر حسینی بننے میں تکلف نہیں کرے گا. رشتے مختلف طرح کے رشتے ہوتے ہیں. کوئی برادر نسبی ہوتا ہے, کوئی برادر سببی ہوتا ہے, برادر نسبتی ہوتے ہیں. تو برادری کی قسمیں تو ہیں. کبھی کسی سیاسی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو آپس میں برادری کے رشتے سے نوازتے ہیں. بعض سربراہان یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں بھائی کہا کرو, اور کوئی لقب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بھائی کے رشتے کا تقدس ہے. دیکھیے تو صحیح, تاریخ میں دونوں مثالیں ہیں شروع سے اب تک, حابیل و قابیل سے لے کر آج کی تاریخ تک. دونوں طرح کی کے رویوں کی مثالیں موجود ہیں. بھائی نے بھائی کو قتل بھی کیا, بھائی نے بھائی کو کنویں میں بھی ڈالا, بھائی نے بھائی کو بیچ بھی ڈالا. یہ سب قرآنی مثالیں ہیں, یہ سب قرآنی مثالیں ہیں. بھائی نے بھائی کو قتل کیا, بھائی نے
भाई को कुएं में डाल दिया, भाई ने भाई को बेच दिया। उसके बावजूद भाई का भाई से रिश्ता आज भी मुकद्दस है। यानी वो रिश्ते जो अल्लाह की तरफ से बनाए जाते हैं, बंदे कितना ही उन रिश्तों का गलत तौर पर इस्तेहसाल करें मगर उनका बुनियादी तकद्दस बाकी रहता। ये कितना बड़ा पैगाम है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आक़द मुआखात को एक बड़ी अजीम शान मुआशरती और सियासी कदर के तौर पर पेश किया। आप ज़रा तारीख इस्लाम पढ़ते हैं, रवा रवी में पढ़ के गुजर जाते हैं। आम तौर पे यही होता है, या जिसको जिससे दिलचस्पी होती है बस उससे मुतालिक जो मालूमात तारीख में हैं वो तो तवज्जो से पढ़ते हैं, बाकी कुछ तवज्जो से नहीं पढ़ते। और पढ़ने वाले ऐसे भी हैं, ये बिल्कुल लिटरेरी मसला है, जो यहाँ पर दानिश्वर दानिशमंद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा मौजूद हैं, खसूसियत से जो हिस्ट्री और लिटरेचर के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे और इस तालिबेल के इस नुक्ते को अप्रिशिएट करेंगे कि क़रअतों का जहाँ मसला होता है, रीडिंग्स किस तरीके से तारीख पढ़ी जाए, किस तरीके से कोई टेक्स्ट पढ़ा जाए, किस तरीके से उस टेक्स्ट के अंदर से मानी मुनकशिफ किए जाएं, इसके जो साइंटिफिक उसूल हैं, जो लसानियाती उसूल हैं, जो अदबी उसूल हैं, वो अपनी जगह। लेकिन बहुत से लोगों का उसूल बस इतना है कि किताब में कुछ भी लिखा हुआ हो पढ़ो वो जो तुम्हारे जहन में हो। ऐसी क़राअतें भी खूब हो रही हैं और कोई किताब इस उसलूब क़राअत से महफूज नहीं है। कोई किताब दुनिया की इस उसलूब क़राअत से महफूज नहीं है। लोग किताबें ख़त्म किया करते हैं, बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा ख़त्म किताब का जलसा है, दस्तारबंदी का जलसा है, ख़त्म किताब का जलसा है। किताबें ख़त्म होती हैं और जब ख़त्म करने वालों से हम पूछते हैं कि ये भी तो उसी किताब में है, कहते हैं ये तो नहीं मालूम। भाई ये कौन सी क़रत है, यानी किताब ख़त्म की या किताब ख़त्म कर दी। ख़त्म के कौन से मानी लिए जाएं, ख़त्म के कौन से मानी लिए जाएं, आज अव्वल ता आखिर किताब पढ़कर ख़त्म की या किताब को ख़त्म कर दिया। क्या किया आपने, भाई उसी किताब में ये हदीस भी है, उसी किताब में वो हदीस भी है, उसी किताब में वो रिवायत भी है, उसी किताब में वो हकीकत भी है। तो इसके मानी ये हैं कि कुछ हजरात ऐसे हैं कि किताब में कुछ भी लिखा हो, क़रअत वो होती है कि जो उनके जहन में हो। ये कैफियत कभी कभी मुझ पर भी तारी होती है, मेरा तजर्बा है तो मैं बता दूँ होता क्या है। जब नींद हो गहरी, दिन भर मोमिनीन सुबह से शाम तक मोमिनीन से मुलाकातें हो रही हैं, ला कहिए कि फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है, कहते हैं तो दो ही मिनट सही, पाँच ही मिनट सही। अब ज़ाहिर दिल शिकनी हराम है, दिल बेदस्तावर के हज्जे अकबर अस्त हैं, हज्जे अकबर यह है कि तुम दिल शिकनी ना करो, खातिर शिकनी ना करो। मीर अनीस ने कहा ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम अनीस, ठेस न लग जाए आप गीनों को। ठीक है ना, तो अब इस ख्याल से कि भाई ये मोमिन हैं, मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मोमिनीन से मुलाकात बजाय ख़ुद सवाब है। तो अब मालूम हुआ कि सुबह से लेकर
एक बज गया, दो बज गया, अब दो बजे हम बैठे कुछ पढ़ने के लिए, दिमाग सो रहा है, आंखें बज़ाहिर खुली हुई हैं और पता नहीं चलता खुद को कि खुली हैं कि बंद हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त क्या होता है? लिखा कुछ होता है, मुंह से कुछ और अदा होता है। तो अगर ज़हन थका हुआ हो, अगर ज़हन थका हुआ हो तब तो ये मुमकिन है कि लिखा कुछ हो, पढ़ा कुछ जा रहा हो, लेकिन कोई सेहतमंद ज़हन ये कभी गलती नहीं करता कि लिखा कुछ हो, पढ़े कुछ और। बहरहाल ये तो बात आ गई दरमियान में, बात सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि क़िरात जो आप करते हैं तारीख है इस्लाम की, वो किस नुक्ते नज़र से करते हैं, किस कैफियत के साथ करते हैं? तारीख है, खुली तारीख है। तारीख पढ़िए, कुरान पढ़िए, तफसीर पढ़िए, हदीस पढ़िए, और हर वाक़े को जो मंसूब हो खुदा और रसूल से उसे गौर से पढ़िए। बात छेड़ गई है तो एक तारीखी मिसाल दे दूं कि जो पढ़ने में गलतियां हो रही हैं, लिखने में भी इसी तरह गलतियां हुई हैं। ये वाकया तो तारीख तबरी में आ गया। देखिए, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें दिलचस्पी किससे होनी चाहिए? दिलचस्पी तो बहुत हल्का लफ्ज़ है ना, जहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ जेब भी नहीं देता। हमारी दिलचस्पियाँ तो न जाने किस किस से हो जाती हैं, दुनिया की चीज़ों से हो जाती हैं। लेकिन हज़ार बार खाकम बदहन कहकर कह रहा हूँ कि हमें दिलचस्पी मुसलमान होने की हैसियत से, या उन्स, या मोहब्बत, या मवद्दत, या इश्क, या अलाका, ताल्लुक़ ख़ातिर, अलाक़े कल्बी, रिश्ते रूही, किससे होना चाहिए? एक मुसलमान की हैसियत से, या अल्लाह से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हर उस शय से जो अल्लाह से रिश्ता रखती हो और रसूलुल्लाह से रिश्ता रखती हो। ठीक है ना? ये दूसरे मरहले पे याद रखिएगा, हर उस शय से जो रसूलुल्लाह से रिश्ता रखती हो। अगर सिर्फ मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से रिश्ता है तो वहां भी तामुल शर्त है। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मुझे एहसास है, मालूम है कि मेरे एक एक लफ्ज को बाज हजरात तनकीदी ख्यालात के साथ, तनकीदी जज्बात के साथ, तनकीदी जाविये से सुनते हैं या पढ़ते हैं, मुझे इसका इल्म है, अंदाज़ा है। अगर कोई रिश्ता किसी का मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से है, हालांकि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इस अदब को महफूज रखिए, जितनी बार हुजूर का नाम आए, जितनी बार भी आए, आप दुरूद ज़रूर भेजेंगे बुलंद आवाज़ से, उससे मजलिस में कोई खलल पैदा नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ हज़रत की ज़ात गिरामी से किसी को रिश्ता है तो भी सोचना पड़ेगा ये रिश्ता काबिल एहतराम है या काबिल एहतराम नहीं है। सबबी रिश्तों को बाद में देखिए, नसबी देख लीजिए। तारीख कहती है ना अबू लहब का रिश्ता पैगंबर से था या नहीं था? था, कोई इनकार कर सकता है? आपके लिए मोहतरम है वो रिश्ता? कौन कहता है कि हम खानदान परस्त हैं? एक मुसलमान नस्ल परस्त नहीं हो सकता,
एक मुसलमान खानदान परस्त नहीं हो सकता। अगर हम अबू तालिब का एहतराम करते हैं तो इसलिए कि अबू तालिब अबू तालिब थे। या जिसका भी हम एहतराम करते हैं, जिसका भी एहतराम निगाह है मर्द मोमिन में है, वो इसलिए है कि किसने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह से रिश्ता रखा, किसने मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से रिश्ता रखा। फर्क है किसने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यही वो मरहला है जहां आम आदमी सही जहन रखने वाला सोचेगा क्या कह रहे हैं, कहने का मकसद क्या है, फर्क क्या है दोनों में। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ईसाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का इनकार नहीं करते, मोहम्मद उन रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं। यहूदी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का इनकार नहीं करते, मोहम्मद उन रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं। सुलह हुदैबिया में आने वाले काफिर मुशरिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में का इनकार नहीं कर रहे थे, मोहम्मद उन रसूलुल्लाह का इनकार कर रहे थे। और उसी सुलह हुदैबिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में शक नहीं कर रहे थे, मोहम्मद उन रसूलुल्लाह में शक कर रहे थे। तारीख पढ़िए तो इस तरह पढ़िए कि हर वो वाकया, हर वो हकीकत जो निस्बत रखती हो अल्लाह सुबहानहु व तआला से, उसे गौर से पढ़िए, उस पर तवज्जो दीजिए, उस मंज़र को, पसे मंज़र को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो मुआखात का वाकया यूं ही ज़बान पे आ गया, मुआखात का वाकया पैगंबर ने दो मरतबा मुआखात फरमाई, एक मरतबा मक्के में, एक मरतबा मदीने में, एक मरतबा खुद मुहाजरीन के दरमियान, एक मरतबा मुहाजरीन अंसार के दरमियान। पूरी तारीख बशरियत में शायद ये पहला मौका है जब आक़द मुआखात को एक अजीम हिकमत के तौर पर एक इज्तिमाई, एक मुआशरती, एक अखलाकी और सियासी कदर के तौर पर पैगंबर ने इंट्रोड्यूस किया है, और तब से यह रस्म चल पड़ी। हुजूर ने अक़्द मुआखात की जो रस्म कायम कर दी तो गोया एक रास्ता खोल दिया। अब अक़्द मुआखात हो तो सकती है मगर देखना पड़ेगा कि कौन से हवाले से, हवाला क्या है। अब हवाला उखुव्वत इस्लामी का मुनहसर है उखुव्वत हुसैनी में, इसे मुबालिगा ना समझिएगा, इसे मसलक परस्ती ना समझिएगा, इसे मजहब परस्ती ना समझिएगा। हक परस्ती का तकाजा यह है, हक परस्ती का तकाजा यह है। अगर हम सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को पहचानते हैं, अगर हमें ये मालूम है कि हुसैन कौन है, कौन है हुसैन, हम क्या समझते हैं वो तो छोड़ दीजिए, हम जो समझते हैं वो दूसरों की समझ में नहीं आ सकता। यकीन कीजिए इतना बयान मिंबर पे होता है ना, मगर हम मोहम्मद को क्या समझते हैं, हम अली को क्या समझते हैं, हम जहरा को क्या समझते हैं, हम हसन हुसैन को क्या समझते हैं, अगर बयान कर दिया जाए ना लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तहम्मुल नहीं है। बिला तशबीह मैं कह सकता हूं कि जैसे एक तजल्ली तूर पर आई थी और मूसा बर्दाश्त ना कर सके, एक छूट, एक परताव, एक तजल्ली,
موسیٰ برداشت نہیں کر سکے نا، قرآنی واقعہ ہے نا. فرق یہ تھا موسیٰ میں اور امت موسیٰ میں کہ باقی خاک ہو گئے لیکن موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے. بلا تشبیہ جس طریقے سے وہاں ایک تجلی تھی اور قابل برداشت نہ تھی، ایسے ہی حقیقت محمدیہ مشکل منکشف ہو جائے قابل برداشت نہیں ہے، حقیقت مرتضویہ منکشف ہو جائے قابل برداشت نہیں ہے، حسین کی حقیقت منکشف ہو جائے قابل برداشت نہیں ہے، نہیں ہے قابل برداشت، بہت سو کے لیے نہیں ہے قابل برداشت. لیکن بہرحال یہ حق ہے کہ اب اخوت اسلامی، اخوت توحیدی، اخوت محمدی، اخوت احمدی، اخوت مصطفی منحصر ہے اخوت حسینی میں. بہت سے مطالب آ رہے تھے ذہن میں، ان پہ میں نے پہرا لگا دیا. بہت سے مطالب آ رہے تھے، رخ بالکل تقریر کا مڑ رہا تھا کسی اور جانب، حقیقت شبیری کی. جو اقبال نے کہا ہے نا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. کوئی انسان ابدی تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی انسان ابدی ہے نہیں ہے. علامہ اقبال اتنا بھی نہیں جانتے تھے، اقبال جانتے تھے. اقبال نے فلسفہ موت پہ بھی نظمیں کہی ہیں، مقالہ بھی ہے اقبال کا، نظم بھی ہے اقبال کی. اقبال جانتے تھے انسان آتا ہے، انسان جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے. پھر کس چیز کو کہہ رہے ہیں حقیقت ابدی ہے، ابدی ہے مقام شبیری. آپ جتنی بھی مجلسیں کرتے ہیں آپ کی سعادت مندیاں ہیں. امام بارگاہوں میں مجلسیں ہوتی ہیں، گھروں پہ مجلسیں ہوتی ہیں، سینٹرز میں مجلسیں ہوتی ہیں، یا آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ حقیقت شبیری کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں. یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے. اگر انسان ابدی بننا چاہتا ہے تو بقول اقبال راستہ یہ ہے کہ حسینی بن جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تصور پاکستان دینے والے مفکر اسلام، شاعر مشرق، حکیم الامت، ڈاکٹر، سر، پروفیسر، شیخ محمد اقبال لاہوری، صاحب اسرار خودی، رموز بے خودی، صاحب بانگ درا، صاحب ضرب کلیم، صاحب بال جبریل، صاحب ارمغان حجاز، صاحب خطبات، صاحب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، وہ فرما رہے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو جب حقیقت ابدی وہ ہے تو ہم وہی رشتہ رکھتے ہیں کہ جو ابدی رشتہ ہو، ابد تک قائم ہے. اس لیے جب میں کہتا ہوں برادران حسینی تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے، جملہ اور کہہ دوں. برادر حسینی کی ترکیب سن کر اگر پہلی منزل میں کسی کے چہرے پر شگفتگی نہ آئے، کسی کے چہرہ سرخ نہ ہو، تو اسے کہہ دیجئے بھائی کیا برادر یزیدی بننا پسند کرو گے؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اہل بیت کے دشمن پر لعنت. دنیا میں محمد، آل محمد، صلوات.
अभी तो तकरीर के पहले जुमले पे टिकी हुई है बात, अभी तो खिताब किया है मैंने, बस इतना ही कहा है बिरादरान है हुसैनी, तकरीर तो अभी शुरू भी नहीं हुई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन बात यहाँ तक आ गई तो एक जुमला और कहकर आगे बढ़ूँ। वो जुमला यही है, ये भी आपने सुना ना कि अगर कोई बिरादर हुसैनी कहने से खुश ना हो तो कहे भाई दूसरी राह कौन सी है, पसंद है कि तुम्हें बिरादर यजीदी कहा जाए। कुछ लोग अभी मुहर्रम शुरू होने से पहले काउंसलिंग शुरू हो जाती है, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं उन्हें बर्दाश्त तो नहीं है कि उन्हें बरादर यजीदी कहा जाए, मगर लगता है कि फौज यजीदी के बचे खुचे लोग हैं अभी। तो इधर ज़िलहिज का चांद नमूदार हुआ, उधर मुख्तलिफ तरीक़ों से पैम्फलेट छपते हैं, इश्तहार छपते हैं, किताबें छपती हैं, किताबचे छपते हैं, SMS शुरू हो जाते हैं, नया साल शुरू होने वाला है, ख़ुशी से शुरू होना चाहिए, मुसर्रत से शुरू होना चाहिए, और आशूर जो है वो बड़ी फजीलत का दिन है, ख़ुशियों का दिन है, इतनी हदीसें आशूर की फजीलत में हैं, उतनी हदीसें आशूर की फजीलत में, हालाँकि खुदा की कसम क़ुरान की कसम रसूल इस्लाम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की कसम, कसम शरई खा रहा हूँ, मुहक्किकीन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, अजिल्ले मुहद्दिसीन अहले सुन्नत वल जमात, सब कहते हैं कि ये जितनी रिवायतें आशूर की फजीलत में हैं सब गढ़ी हुई हैं, सब दुश्मनान आले मोहम्मद ने गढ़ी हैं, मौजूआ हदीसें मजूला हदीसें मौजूआ हैं, मजूला हैं, गढ़ी हुई हैं, कातिलान इमाम हुसैन ने ये हदीसें गढ़ी हैं ताकि इस अजीम गम को भुला दिया जाए और उस पर खुशी का पर्दा डाल दिया जाए, ताकि उनके अयूब छुप जाएं, उनके जराएं छुप जाएं, बस मकसद ये। बहरहाल तो इसी ज़िलहिज के महीने में यहाँ आने से पहले, आपके मुल्क में आने से पहले, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, आपके मुल्क की तो मुझे ख़बर ही नहीं है, ये नजमुल हसन जाफरी साहब इस तरह मुझे कमरे में बंद रखते हैं कि मैं ही जानता हूँ, खुदा इन्हें जजाए खैर अता फरमाए, मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ऐसी हिफाजत करते हैं। अब जो जुमला मैंने मकाम मिजाह में कहा था वो तो मिंबर से कह भी नहीं सकता हूँ, यहाँ की मुझे कोई ख़बर भी नहीं होने देते, क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, कहाँ क्या गुजर गई क़यामत, वो चाहते हैं मुझे पता न चले, शायद उन्हें मुझसे ये सूए ज़न है, वो मुझे बुज़दिल समझते हैं, हरगिज़ नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ, हरगिज़ बुज़दिल नहीं हूँ, ये कहने की जुरत नहीं है कि शजा हूँ, मगर ये कहने की जुरत है कि बुज़दिल नहीं हूँ। ये अदब हमें अहले बैत ने सिखाया है, मशहूर रिवायत है, मशहूर रिवायत है हज़रत इमाम मुहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक नसरानी की बज़्म में पहुंच गए, उसे लुकनत होने लगी, मौजज़ात इमाम में से लुकनत होने लगी, उसने कहा आज इस बज़्म में कोई अजनबी तो नहीं आया है, लोगों ने कहा ये एक साहब नए हैं, कहा तुम कौन हो, उम्मत मोहम्मद में से तो नहीं हो, देखिए उम्मत मोहम्मद, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मती कहीं जाकर बैठ जाए तो कैसी हैबत बातिल पे तारी हो जाती है, कि तुम उम्मत मोहम्मद में से तो नहीं हो, कहा हाँ बेशक हूँ तो उम्मत मोहम्मद में से, दूसरा सवाल क्या उलमा में से हो या जाहिलों में से, ये नहीं कहा इमाम ने उलमा में से हूँ, कहा जाहिलों में से नहीं हूँ, इमाम मासूम अदब सिखाते हैं, वरना उलमा में से
ये जिसे नजर भर के देख ले वो आलिम हो जाए। जो इनके दर की खाक रोबी करे वो आरिफ हो जाए। जो इनके अहले बैत का सक्का बन जाए वो रईसुल उरफा कहलाए। लेकिन अखलाक यह है, अदब यह है। अब वफादारी का आखिरी मेयार क्या होता है कि जहां अगर कमजोरी भी रह गई हो तो फरामोश कर दी जाती है, लग्जिश भी हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि जिंदगी में अवार्ड ना मिला हो तो पसस मर के अवार्ड दिया जाता है। होता है ना, जिंदगी में फर्ज कीजिए कि वो आपके मेरिट पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन अगर उसने मुल्क के लिए जान दे दी, साबित हो गया कि इसने मुल्क के लिए जान दी है, तो कितनी ही कमजोरियां पहले से फाइल में हो, मगर मुल्क पर जान देने के बाद कोई उसकी कमजोरी का तस्करा नहीं करता, सब उसको अवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, उसके शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसी सूरह मोहम्मद में परवरदिगार आलम ने चौथी आयत में कहा, वल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह फ़लन युज़िल्ला अमालहुम, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएंगे कभी भी उनका कोई अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा। सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले। यही सूरह मोहम्मद, वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, फलन फलन लन का लफ्ज़ है, लन यानी कभी नहीं, हरगिज़ हरगिज़ ना दुनिया में ना आखिरत में, फलन युज़िल्ला अमालहुम, उनके अमाल जाया नहीं किए जाएंगे, मगर मर जाना शर्त है राह खुदा में। बस इसीलिए हुर कुछ भी रहे हो, मरे किसकी राह में, अब हुर अलैहिस्सलाम है। जुहैर कुछ भी रहे हो, मरे किसकी राह में, अल्लाह की राह में, जुहैर अलैहिस्सलाम। हम जैसे खाकी और खाती सलाम करते हैं, पर्दे गैब से इमाम मासूम सलाम करते हैं, अर्श से लेकर फर्श तक तमाम फरिश्ते सलाम करते हैं, तमाम बंदगान खुदा सलाम करते हैं, तमाम अंबिया सलाम करते हैं, किसे, हुर पे सलाम, जुहैर पे सलाम, हबीब पे सलाम। क्यों? इसलिए कि ये राह खुदा में शहीद हो गए। बाबे मसाहिब खुल गया, मगर फिर इस मरतबा में बार बार हवाला दे रहा हूं, मुआजना करो उहद का और करबला का, उहद का करबला का। हम किसकी शान में कसीदे पढ़ें, किसका तस्करा करें, जो रसूल को नरगए आदा में छोड़कर पहाड़ियों पे चले गए थे। ये वाहवा का मकाम नहीं, ये आह आह का मकाम है। जिन्होंने ऐलान किया था, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल, देखिए किसने कहा था मैदान उहद में कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तुम लोग अपने दीन की तरफ पलट जाओ, उनके मसलक पे चले हम, उनके नक्शे कदम पे चले। जिन्होंने ऐलान किया मोहम्मद कत्ल हो गए, तुम लोग अपने पहले दीन पर चले जाओ, ला तो हुबल उज़्ज़ा की परस्तिश करो, शहरा की परस्तिश करो, बुतों की परस्तिश करो, जिसका जो दीन हो दीन की तरफ पलट जाए, मोहम्मद कत्ल हो गए। ये आवाज कहां उठी, उहद में। और करबला की आवाज क्या है, हुसैन नमाज का वक्त हो गया है, आका जी चाहता है आपके पीछे नमाज पढ़। आका ने दुआ दी, खुदा तुमको नमाज गुजारों में करार दे, हाँ बेशक ये वक्त नमाज है।
इनसे कहो तो सही कि हमें मोहलत दे दे नमाज पढ़ने की। किन किन मुसीबतों का इजहार किया जाए, ऐलान किया जाए। क्या जवाब मिला? तारीख में क्या है? आपके रावियों ने क्या लिखा? दुश्मन रावियों ने क्या लिखा? यजीदी फौज के रिपोर्टर्स ने, ऑफिशियल रिपोर्टर्स ने क्या रिपोर्ट लिखी कि हुसैन की तरफ से किसी ने बढ़ के कहा फर्जंदे रसूल नमाज पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए जंग रोक लो। तो जवाब मिला है हुसैन से कह दो हुसैन की नमाज कबूल नहीं होगी। जाने रसूल की नमाज कबूल नहीं होगी। वो हुसैन, वो हुसैन, वो हुसैन जो पुश्ते पैगंबर पे होते थे सजदे के आलम में, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। वो हुसैन जिनको आपके रावी जलीलुल कद्र रावी कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरा ये हुसैन, मेरा ये हसन सैयदा शबाब अहले जन्ना, ये अहले जन्नत के सरदार हैं, उस हुसैन के लिए कहा जा रहा है हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। ये कहने वाला कोई मुसलमान हो सकता है? ये कहने वाला कोई मुसलमान हो सकता है? ये है करबला, वो है उहद, ये है करबला, वो है उहद। बस इसलिए हमारे आंसू कभी थम नहीं सकते, हमारे हाथ हमेशा सीने पर रहेंगे। दिल जो तड़पता है, सीना जो फटता है, जिगर जो टुकड़े टुकड़े होता है, हम क्या करें? हमें मोहम्मद से मोहब्बत है, हमें खुदा से मोहब्बत है। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कुरान में ये आयतें पढ़ी हैं सूरह मोहम्मद की, और हमने देखा है कि ये वो हैं कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, कत्ल हुए हैं अल्लाह की राह में। अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़लन युग़िल्ला अमालहुम, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनका कोई अमल ज़ाया नहीं होता। हुसैन की क़ुरबानी कैसे ज़ाया हो जाएगी? अल्लाह का वादा है उसका अमल ज़ाया नहीं होता। अल्लाह हुसैन की कुर्बानी कैसे ज़ाया हो सकती है? पूरी दुनिया मिलकर कोशिश करे कि जिक्र हुसैन रुक जाए, यह आयत जमानत है कि कुर्बानी हुसैन का तज़किरा रुक नहीं सकता। पूरी दुनिया चाहे कि नमाज पे पाबंदी लग जाए, यह आयत गवाह है, जमानतदार है कि नमाज रुक नहीं सकती। इसलिए कि नमाज हुक्म खुदा होने के साथ अमल हुसैन है। नमाज क्या है? नमाज की फजीलतें क्या है? हुक्म खुदा है, उसके बाद फजीलत क्या है? अमल पैगंबर है, उसके बाद फजीलत क्या है? अमल अली है, अली का पसंदीदा अमल। अली जब तन्हा होते थे नमाजें पढ़ते थे, जब तन्हा होते थे, दिन में तन्हा हुए नमाजें पढ़ने, रात में तन्हाई नसीब हुई नमाजें पढ़ने। हुसैन जब तन्हा होते थे नमाजें पढ़ते थे। और इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत है? जो लश्कर में खड़ा होकर नमाज पढ़ता हो वो तन्हाई में किस खुजू व खुशू से नमाजें पढ़ता हो। जवानों, अजीजों, अजादारों, शियो, मोमिनों, मुसलमानों, कलिमा गोयो, फर्जंदाने तौहीद, नमाज हुसैन का अमल है, हुसैन की सीरत। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई। इसीलिए नमाज वाजिब तो अपनी जगह, बस अब मैं हुक्म बयान कर रहा हूँ और यही मसाइब है। हुसैन जब बहन से जुदा हो रहे थे आखिरी वक्त, किस बहन से? चाहने वाली बहन ज़ैनब, बीवी ज़ैनब से जब जुदा हो रहे थे, जो ख़ास फरमाइशें की उसमें एक फरमाइश की थी, ए बहन ज़ैनब मुझे अपनी नमाज शब में कभी फरामोश न कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम वो कैसे नमाज गुजार हैं जिन्हें हुसैन का तज़किरा अच्छा नहीं लगता, हुसैन की ये वसीयत अच्छी नहीं लगती। हुसैन जाते वक्त कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैदान में जा रहे हैं, कत्लगाह में जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, और बहन से कह रहे हैं बहन मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। क्या इश्क है हुसैन को नमाज से और खुदा से। और ज़ैनब ने भी ये करके दिखाया। इसलिए कभी मैंने ये जुमला
बारह बार बार कहा है, मुकर्रर कह चुका हूँ मेंबर से, लाहौर में बद्र हैदर साहब के मोहब्बत करते हुए भी मैंने इसरार और ताकीद से ये जुमला कहा था, नमाज शब जुज़ अज़ाए हुसैन है, जब मजमा हो साथ में सोज़खानी करो, नौहा पढ़ो, सलाम पढ़ो, मजलिस पढ़ो, जिक्र मौला करो, जब कोई ना हो हुसैन को याद करने के लिए नमाज शब के लिए खड़े हो जाओ। नमाज शब याद खुदा भी है, याद हुसैन भी है। ये शिर्क की बातें नहीं है, ये शिर्क की बातें नहीं है, ये ऐन तौहीद है, ये ऐन खुदा परस्ती है। वो नमाज बहुत बुलंद होती है, उस नमाज के और अर्श इलाही के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता जिस नमाज में याद हुसैन शामिल हो जाए। जवानों ये जुमला भुलाना नहीं, जिस नमाज में याद हुसैन शामिल हो जाए, जिस नमाज में हुसैन याद आए और हुसैन के साथ आंखों में आंसू आ जाएं, वो नमाज अर्श तक पहुंचने में ताखीर नहीं होती। इस नमाज की हिफाजत कैसे की है ज़ैनब ने? ज़ैनब के बाजुओं में रसन है। सैयद सज्जाद ने कैसे हिफाजत की है? कैसे हिफाजत की? हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, गले में तौके खारदार, मगर नमाजों का सिलसिला जारी है। करबला से कूफे, कूफे से शाम तक नमाजों का सिलसिला जारी। ये सैयद सज्जाद की नमाजें हैं, वो जनाब ज़ैनब की नमाजें हैं, जिनके मुतालिक सैयद सज्जाद ने कहा है कि मेरी फूफी ज़ैनब की कहीं नमाज शब भी छूटी नहीं है। नमाज शब कजा नहीं हुई। और ये कहाँ फरमा रहे हैं? बार बार फरमाया, मदीने आके फरमाया है, कैदखाने शाम में फरमाया है। किस शान से अज़ाए हुसैनी की है और किस शान से नमाज पढ़ी है बीबी ज़ैनब ने, कि जनाब सैयद सज्जाद की ये गवाही है, मेरी फूफी ज़ैनब ने कभी नमाज शब कज़ा नहीं की। और कैदखाने में, शाम के कैदखाने में ये मुकालिमा सुनने को मिला, मुअर्रिख के कानों तक ये सदा पहुँची, मासूम इमाम, मासूम भतीजे ने पूछा, फूफी अम्मा आप बैठकर क्यों नमाज पढ़ रही हैं? आज तक आपको बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फूफी ने एक मरतबा नहीफ आवाज़ में जवाब दिया, बेटा करबला से लेकर आज तक आबो दाना इतनी कम मकदार में आता है जो असीर काफिले के बच्चों के लिए भी काफ़ी नहीं होता। मैं अपने हिस्से की गजा बच्चों में बाँट देती हूँ, अपने हिस्से का पानी बच्चों को ला देती हूं, अब ताकत नहीं रह गई कि खड़े होकर नमाजें पढ़ सकूं, इसलिए बैठकर नमाजें पढ़। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे सीनों में चराग तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमारे कुलूब को फ़ानू से चराग तौहीद बना दे। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा दामन ख़त्म विलायत रहे, दामन ख़त्म नबूवत रहे। माबूद हमारे सरों पर हमेशा साये विलायत अलविया रहे। माबूद जो मरीज़ हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, जो नादार हैं उनकी नादारी को दूर फरमा, उन्हें गनी और मुस्तगनी बना दे। परवरदिगार जो जो भी हाजत रखते हों इस फर्श आज़ा पर उनकी हाजतें कबूल फरमा। परवरदिगार अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे और अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा। इल्तिमास है हज़रात के एक मरतबा फिर सूरह हम्द की तिलावत फरमा कर तमाम मोमिनीन व मोमिनात व शहदाए राह अज़ाए हुसैनी की रूहों को इसाल फरमाएँ, और खसूसियत के साथ सैयद मकबूल हुसैन इब्न सैयद तवस्सुल हुसैन, सैयदा रियाज़ फ़ातिमा बिनते सैयद मोहम्मद अब्बास और सैयदा नसीम फ़ातिमा बिनते सैयद मकबूल हुसैन की रूहों को इसाल फरमाएँ। कहते हैं कि साहब कोई शख्स अगर अमाल अच्छे बजा ला रहा है, खिदमत खल्क कर रहा है और वो
لا الہ الا اللہ نہیں کہتا, محمد رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اعمال اکارت ہو جائیں؟ ارے کیسے ممکن ہے؟ اگر قانون ہم نے بنایا ہو, اعلان ہم نے کیا ہو, پالیسی ہم نے بنائی ہو, آئیڈیالوجی ہم نے بنائی ہو, تو آپ ہمارا گریبان پکڑیں؟ میں تو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن فرما رہا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, جنہوں نے کفر اختیار کیا, اور کفر کے معنی ذکر کر چکا ہوں کہ کفرہ کے دو معنی ہیں, ایک ہے انکار کرنا, ایک ہے چھپانا, پردہ ڈالنا. جنہوں نے حقیقت کا انکار کیا یا حقیقت پہ پردہ ڈالا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے یا اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی, رکاوٹیں کھڑی کی, اضل اعمالہم, اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا. آیت ہے, ابھی صرف ترجمے کی حد تک ہے, کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے جا کے. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے کارنامے انجام دیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور ایمان لائے اس حقیقت پر جو محمد پر نازل کی گئی ہے, جو کچھ محمد پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق و حقیقت ہے, وہی صدق ہے, وہی سچائی ہے, وہی حق ہے جو محمد پر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے. ان کا کیا مرتبہ ہے, ان کی کیا پاداش ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم, سیئاتہم, سیئاتہم. کفرہ لفظ آیا ہے نا یہی اسی آیت میں, کفر عنہم سیئاتہم, ان کی برائیوں, ان کے گناہوں کو بھی پروردگار مٹا دے گا, چھپا دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, صرف یہی نہیں کہ ان کی خطائیں فراموش کر دی جائیں گی, ان کی خطائیں نادیدہ لی جائیں گی, خطاؤں سے صرف نظر ہو جائے گا. أَصْلَحَ بَالَهُمْ, جو کام انہوں نے کیے ہیں اور بگاڑ دیے ہیں وہ بھی سنوار دے گا. کیا قیامت کی آیتیں ہیں! اللہ پر جسے یقین ہو, اور محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ مانتا ہو, پورا قرآن اس کے سامنے ہو یا نہ ہو, صرف یہ دو آیتیں ہوں تو وہ دامن محمد کبھی چھوڑ نہیں سکتا. آج یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں, ہاں صحیح فرماتے ہیں آپ, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبوی ہے, یہ حدیث صحیح ہے, یہ عمل پیغمبر ہے, یہ حکم پیغمبر ہے, یہ سنت پیغمبر ہے, یہ سیرت پیغمبر ہے, کہتے ہیں جناب وہ 1400 برس پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں. میں غیر کا گلہ نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے, اپنوں کا گلہ کر رہا ہوں, آپ کا گلہ کر رہا ہوں. آپ محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود کتنا محمد رسول اللہ کو قبول کیا ہے آپ نے؟ ورنہ اگر ان دو آیتوں پر, اگر قرآن پر آپ کو یقین ہے, ان دو آیتوں پر یقین ہے, تو دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا, اور اگر دامن تک ہاتھ نہ پہنچ پائے تو نقش قدم مصطفیٰ ٹٹول ٹٹول کر, خاک قدم مصطفیٰ خوشبو سونگ سونگ کر, کہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا تھا, محمد رسول اللہ کے قدم کہاں پڑے تھے, آمنہ کے لال نے قدم کہاں رکھا تھا,
عبداللہ کے فرزند نے قدم کہاں رکھا تھا؟ خادم النبیین نے قدم کہاں رکھا تھا؟ جہاں قدم مبارک نظر آ جائے وہاں کی خاک اٹھا کے سرمے چشم بصیرت بناتا ہے انسان، کہ اس مرد الہی کا دامن نہیں مل سکتا تو خاک قدم تو مل سکتی ہے۔ شان مسلم یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اٹھائیے صحیح حدیثوں کی کتابیں، دیکھیے نقش قدم مصطفیٰ کہاں کہاں ہیں۔ جس دروازے پر روزانہ رسول خدا اٹھ کر صبح صبح اٹھ کر مسجد میں، رسول کا گھر اور مسجد دیکھیے نا آج تک محفوظ ہے، ارے یہ معجزہ ہے، معجزہ کی تاریخ میں محفوظ ہے۔ خانہ پیغمبر، محراب پیغمبر، اپنے گھر سے نکل کے سیدھے محراب میں جا سکتے تھے مگر گھر سے نکل کے پہلے دروازہ فاطمہ پہ آتے تھے، اس کے بعد محراب پہ جاتے تھے۔ بتاؤ نقش قدم مصطفیٰ کہاں ہے؟ ایک دو دن نہیں، کہو اتفاق تھا، اتفاق تھا۔ بیٹی کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ ہر باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، بیٹی کی محبت کچھ بیٹوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے، ہے نا؟ یہ سب عذر پیش کیا جا سکتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر کے اوپر نگاہ کس کی تھی؟ پیغمبر کو میزان بنا کے اتارا گیا ہے۔ کیا میزان؟ ترازو، عدل کا پیکر، انصاف کی جان، عصمت کبریٰ، آیت حق، رسول خاتم، براہ راست خدا کی نگرانی میں ہیں۔ رسول کے دل پر خدا کی نگاہ ہے، رسول کی زبان اور آپ کے لب مبارک پر رسول کے اللہ کی طرف سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ذرا اور مثال قرآنی دے دوں، کوئی یہ کہے کہ پیغمبر فرط محبت میں، اولاد کی محبت کسے نہیں ہوتی، بیٹی کی محبت بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اگر کئی اولادیں اس دنیا سے گزر چکی ہوں، بیٹے ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، طیب و طاہر کا داغ دیکھ چکے تھے، عبداللہ کا داغ دیکھ چکے تھے، ابراہیم کا داغ دیکھ چکے تھے، اس لیے فاطمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، آخر اولاد تھی۔ تو اگر صرف فرط محبت میں پیغمبر یہ کر رہے ہوں اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہو تو آیت نازل ہو جانی چاہیے تھی، محمد یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں اٹھ کر سیدھے محراب میں جانا چاہیے نہ کہ بیٹی کے دروازے پر۔ اس لیے کہ سند موجود ہے قرآن میں، جیسے باپ اور بیٹی کی محبت ایک شرعی محبت ہے، فطری محبت ہے، ایسے ہی شوہر اور زوجہ کی محبت بھی ایک فطری محبت ہے، ایک شرعی محبت ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے اپنی بیویوں کا خیال رکھو، رسول اللہ نے کہا ہے اپنی بیویوں کا خیال رکھو، بیویوں کی ناز برداری کا حکم دیا گیا ہے، ناز برداری کا حکم۔ جس پیغمبر نے خود کہا ہو عورتوں کا خیال رکھو، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، پیغمبر نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے لیے کہا تھا اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اچھا یہ پرسنل معاملہ تھا نا، بالکل پرسنل تھا یا نہیں؟ جو لوگ بالکل پرائیویٹ، نبی کی پرائیویٹ لائف کہتے ہیں نا، کہ نبی بحیثیت نبی، نبی بحیثیت رسول، اور نبی بحیثیت ایک انسان، ان کی پرائیویٹ لائف بھی تھی۔ اچھا پرائیویٹ لائف میں سب سے زیادہ پرائیویٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ، ایک میاں ہیں ایک بیوی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، آپس کی محبت کی، انس کی، کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں ایسے دو آدمی بیٹھے ہوں وہاں ہر انسان نظریں یوں موڑ لیتا ہے۔ عام طور پر نظریں موڑ لی جاتی ہیں۔ اور
ये परवरदिगार है कि जो पैगंबर के लिए फरमा रहा है कि ये क्या, ये तुमने बीवी की खातिर, यही लफ्ज़ हैं कुरान की, तुम अपनी बीवियों में से किसी बीवी की खातिर उस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर रहे हो जो अल्लाह ने हलाल की है। परवरदिगार परवरदिगार अगर इस मकाम पर आयत नाजिल कर सकता है तो फिर जहां जहां ऐसा इफरात और तफरीत नजर आए कि फर्द मोहब्बत मोहब्बत में पैगंबर कुछ कर रहे हो, आयत आ जानी चाहिए ना। फातिमा के दरवाजे पे रोज जाते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। अगर फर्द मोहब्बत है तो आयत आ जानी चाहिए मोहम्मद क्या कर रहे हो। मस्जिद में सजदे में हैं, हसन और हुसैन कांधे पे आ जाते हैं, सजदे को तूल दे देते हैं, आयत आनी चाहिए ना मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हो या बच्चा खिला रहे हो। मैदान गदीर में पैगंबर फरमाते हैं मन कुंतु मौला फहाजा अली उन मौला, आयत आनी चाहिए ना मोहम्मद अपने भाई को या दामाद को इतना ना उठाओ कि बाद में उम्मत में तफरका पड़ जाए। आयत आनी चाहिए थी मना करने के लिए, आयत क्या आई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने इस्लाम से रिजायत का ऐलान कर दिया, नेमत मुकम्मल कर दी, दीन कामिल कर दिया। ये क्या हो रहा है, पढ़िए, सुन्नत पढ़िए, हदीस पढ़िए और उसके बाद कुरान के सामने लाके मुताबिक कीजिए। अगर अहले बैत के लिए पैगंबर ने कुछ कहा और आयत नहीं उतरी, ताईद में आयत उतरी, बीवी के लिए कुछ किया तो आयत उतरी और मना करने के लिए उतरी, इसके मानी हमारे लिए सिराते मुस्तकीम दिखा दी गई। औलाद मोहम्मद के पीछे चलना है, किसी और के पीछे नहीं चल। मुस्तफा के पीछे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दाम, मोहम्मद के नक्शे कदम और कोई नहीं। इसीलिए मैं फिर दाद देता हूं अल्लामा इकबाल को जिन्होंने मकाम शब्बीरी का ऐलान किया। मुमकिन नहीं था कि वो ये ना कहते, इसलिए कि वो कह चुके थे कि वफातों ने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। की वफातों ने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। फिदा साहब चीज के मानी समझ लीजिए, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद, जो
وفادار محمد کا ہوگا وہی سمجھے گا مقام شبیری کیا ہے. دیکھیں نا دونوں شعر ایک ہی زبان سے تو نکلے ہیں. جس شاعر نے وہ کہا کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اسی زبان نے اسی ذہن نے اسی شعور نے یہ شعر بھی کہا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. ایک صلوات اور پڑھیے تو کچھ دیر اور. یہ سورہ محمد کی آیتیں جو میں گزشتہ تین شبوں سے پڑھ رہا ہوں, اس میں یہ مسئلہ ہے تو غور طلب. ان آیتوں میں یہ مسئلہ واقعی غور طلب ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے عادل, ہے یا نہیں؟ اللہ عادل ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہیں یہ جملہ کہ علماء کی پیچیدہ بحثوں میں الجھ نہ جائیے گا. متکلمین نے جو بحثیں کی ہیں اس میں نہ الجھیے گا. آپ فطرت کا پیغام اگر سننا چاہیں, وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو ڈھالا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت جس پر انسانوں کو خلق فرمایا ہے. تو آپ کہیں بھی چلے جائیے, ایک عام انسان, ایک لے مین جو خدا کا یقین رکھتا ہے وہ خدا عادل کا یقین رکھتا ہے, خدا ظالم کا یقین نہیں رکھتا. کوئی روئے زمین پہ نہیں ملے گا جو قائل ہو کہ خدا ہے اور ظالم ہے, خدا ہے اور عادل ہے. بہت بڑی بحث ہے عدالت کی, اتنی بڑی بحث ہے کہ جب لوگوں نے عدالت کا انکار کیا تو ہم نے اپنے اصول مذہب میں توحید کے ساتھ عادل کو ایک مستقل اصول کے طور پر قائم کیا. ہمارا اصول مذہب کیا ہے؟ پہلا توحید, دوسرا عادل. یہ مذہب میں عادل کو کیوں ہم نے اتنا اہمیت دے کر انٹروڈیوس کیا؟ اس لیے کہ بہت بڑی جماعت نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ نعوذ باللہ عادل نہیں ہے. یہ اللہ عادل نہیں ہے, یہ کس ذہن میں بات آ سکتی ہے بتائیے؟ آپ خود ہی بتائیے. جو تخت اقتدار پر بیٹھے اور ظلم کرے وہ اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہی کہہ سکتا ہے کہ میں کیا, جب اللہ ہی کے ہاں ظلم ہے اور عدل نہیں ہے تو مجھ سے کس عدل کی توقع کرتے ہو؟ جو میں نے کہہ دیا وہ عادل, جو میں نے کہہ دیا وہ انصاف. یہ تھی فکر. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلمان کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس فکر کا ساتھی نہیں ہے. تو بہرحال پروردگار عادل ہے. جب پروردگار عادل ہے تو پھر یہ کیا فرما رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کی راہ میں روڑے اٹکائے, ان کے کارنامے بھی عکارت کر دیے جائیں گے. عکارت اول اعمالہم. اور جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم, ان کی برائیاں مٹا دی جائیں گی. اور صرف یہی نہیں کہ برائیاں مٹا دی جائیں گی, جو کام کیے ہیں اس میں جو کمی رہ گئی ہے واصلح بالہم. مولانا افتخار صاحب تشریف فرمائیں. مولانا ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرمائیں, افاضل ہیں, حوزہ علم قم سے پڑھ کے آئے ہیں, عربی سے واقف ہیں, فارسی سے واقف ہیں, علوم اسلامیہ سے واقف ہیں. اور حضرات ہوں گے, چونکہ یہاں تو بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو مجبوراً لباس نہیں پہنتے ہیں. کیسا معاشرہ ہے جس نے ہمیں بے لباس کر دیا. کیسا موڑ ہے تاریخ کا, کتنا المناک موڑ ہے کہ انسان اپنا پسندیدہ لباس بھی نہیں پہن سکتا. بہرحال ان سے پوچھیں یہ اصلح بالہم کے کیا معنی ہوتے ہیں. کفر عنہم سیئاتہم و اصلح بالہم, اللہ ان کی برائیوں کو
मिटा देगा, उस पर पर्दा डाल देगा, उनके सैयात पर, उनके बुरे अमाल पर, बुरे अफ़ाल पर, गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। वह असलह बालहुम, और जो अच्छे काम किए उन्होंने उनकी जिंदगी संवार देगा। ये कुरान की लफ्ज हैं, आप ये कह के गुजर नहीं सकते कि हदीस है। तो भाई सबब क्या है इसका? ये कौन सी अदालत है? ये कौन सा इंसाफ? देखिए, जरा सा हिजाब दरमियान में हायल होता है, हिजाब गफलत। वरना अगर इंसान किताब खुदा को पढ़ने से के साथ साथ किताब फितरत भी पढ़ ले तो मसाइल हल होते चले जाते हैं। अब मुझे चूंकि ताकत नहीं है कि देर तक बयान करूं, दिल तो चाहता है, जहन भी साथ देता है, हम उस मकतब ही के नहीं है जहां किसी मंजिल में भी जहन जो है वो साथ छोड़ दे। हमारा ताल्लुक उस मकतब से नहीं है। जहन भी साथ देता है, दिल भी साथ देता है। ये जो बीच में हलक है ना, ये बेवफाई करता है, इसीलिए ये जेब देता है कि ये राह खुदा में इस पर खंजर चल जाए, जेब देता है। ये बदन जो है मादी, ये साथ छोड़ देता है। इसलिए बयान को समेट रहा हूं। अल्लाह की किताब में ये है कि जो ईमान लाएगा और अमल साले बजा लाएगा और उस चीज़ पर ईमान लाएगा जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, और वही हक है रब की तरफ से, उसकी बुराइयां मिटा दी जाएंगी और उसके बिगाड़े हुए काम संवार दिए जाएंगे। बिगाड़े हुए काम संवार दिए जाएंगे, बिगाड़े हुए काम संवार दिए जाएंगे। और जो कुफ्र इख्तियार करेगा और अल्लाह की राह में रुकावटें पैदा करेगा, उसके कारनामे भी अकारत कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगर किताब कुदरत, किताब मशीयत, वही मतलू, क़ुरान हकीम, क़ुरान हमीद, क़ुरान अज़ीम, क़ुरान मजीद के ये मकामात समझ में ना आए तो गरेबान के अंदर झांक कर किताब फितरत का मुतालआ कर लीजिए। हर एक गवाही देगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, यही हक है, यही इंसाफ। छोटे से आदमी से लेके बड़े से आदमी तक, आप अपने घर के दरवाजे पर किसी को नौकर रखते हैं, मुलाजिम, गार्ड, ये आपकी बहुत ही सलीके के साथ, इंतहाई डिसिप्लिन के साथ, इंतहाई पाबंदी के साथ 50 साल 60 साल आपकी खिदमत करता है, हर तरह की खिदमत। आखिरी वक्त में कहीं आपको सिर्फ इतना अंदाजा हो जाता है कि ये कर तो रहा है सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, मगर ये जो कुछ कर रहा है तनख्वाह की खातिर कर रहा है, अपनी मसलहत की खातिर कर रहा है, ये मेरा वफादार नहीं है। जहां पता चला वफादार नहीं है, फिर आपका क्या रवैया होगा? जो कुछ उसने 40 साल 50 साल 60 साल खिदमत की है, महफूज रहेगी या अकारत? हैं? क्या बड़ी जोर से कहा अकारत आपने? ये कुछ सोचा भी? उसने 60 साल खिदमत की है आपकी, हैं? अकारत, सब कह रहे हैं अकारत, क्यों अकारत? ये वफा किस चीज का नाम है? वफा किस चीज का नाम है? कैसे पता चलती है वफा? कोई मीटर है? यहाँ बहुत से साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर साहिबान होंगे, बुखार नापते हैं मीटर से, ब्लड प्रेशर नापते हैं एक मखसूस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, हर चीज़ नापने का इंस्ट्रूमेंट है। वफा पता चलाने का क्या इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? अच्छा, कोई है या नहीं, ये खुद एक सब्जेक्ट है, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, मगर मैं पूछ रहा हूँ, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, जो भी मेयार हो, अगर आप मुतमइन हो गए कि ये वफादार नहीं है, जब तक पता नहीं चला था कि ये वफादार नहीं है,
अगर कोई काम करता था अधूरा भी तो आप चश्मपोशी करते थे। अधूरा काम किया मगर चश्मपोशी, अरे छोड़ो जाने दो, ठीक है। वो खुद आता था, कहता था कि मुझसे गलती हो गई माँ। हाँ हाँ भाई ठीक है। अभी वो हर्फ तौबा का हर्फ मुकम्मल भी नहीं होता था कि आप कहते थे हाँ हाँ भाई ठीक है। और इधर आपको अंदाजा हुआ कि ये वफादार नहीं है, अब वो काम जितना भी करे, जितना भी काम करे और काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा भी अगर खड़ा रहे तो इत्मीनान के बजाय वहशत होती है। इसे 7 बजे चला जाना चाहिए था, 8 बजे तक दरवाजे पर क्यों है, कहीं साजिश तो नहीं है? तवज्जो है? अरे भाई ये हकीकी जिंदगी की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। सुबह से शाम तक कराची का कल्चर ये हो चुका है या नहीं? एक घर के दरवाजे पर ड्यूटी देने वाले मुलाजिम से लेकर मुल्क के वजीर आजम और सदर तक, कैफियत यही होती है। फौज में कितनी जाबाजी से लोग ड्यूटी करते हैं, किसी भी मरहले पे पता चल जाए कि ये मुल्क का वफादार नहीं है। ये कह रहे हैं कोर्ट मार्शल हो जाएगा। 60 बरस 70 बरस एक शख्स ने खिदमत की, फौजी के घर पैदा हुआ, फौजी ही मौलवी ने कलमा पढ़ाया। आजकल आप लोगों को फौजी मौलवी कलमा पढ़ा रहे हैं ज्यादातर। फौजी मकतब में पढ़ा, फौजी के घर पैदा हुआ, फौजी माँ ने दूध पिलाया, फौजी आगोश में परवान चढ़ा, फौजी ने कलमा पढ़ाया, फौजी स्कूल में पढ़ा, जब बीमार पड़ा फौजी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, और फिर उसे बाप के साथ साथ फौज में मुलाजिमत मिल गई, और 40 बरस तक उसने मुलाजिमत की, खूब तमगे हासिल किए, अवार्ड हासिल किए, एजाज हासिल किया, कारनामे किए, और एक कहीं से लीक हो गई बात कि ये तो हिंदुस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। अब क्या होगा? क्या होगा? कारनामे? अरे कारनामे, उसके कारनामे, उसके बाप के कारनामे, उसके दादा के कारनामे, सब अकारत, सब अकारत। अरे उसने फला मौके पर वजीर आजम की जान बचाई थी, खुद सामने आ गया था, फला मौके पर जनाब सदर के सामने आ गया था, और अगर सामने ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मगर देखिए ना कितनी होशियारी से सामने आया था कि सीने पे गोली नहीं लगी। अजब नहीं कि उसने खुद ये साजिश रची हो कि तुम एक तरफ से गोली चलाना और हम सामने आ जाएंगे, मगर ऐसे चलाना कि ना हमें लगे ना उन्हें लगे, बस हमारे लिए एक तमगा बन जाएगा कि हमने जाने सारी की, ताकि हमारी पोस्ट कुछ और ऊपर चली जाए, ताकि हम जिसके एजेंट हैं उसके लिए जम के काम कर सकें। जितने कारनामे, सब शक की नजर हो जाएंगे। जब आप इंफिरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, सियासी सतह पर, कानूनी सतह पर कारनामों को अकारत कर देते हैं बेवफाई सामने आने के बाद, तो अल्लाह का कलाम क्यों नहीं समझ में आता? एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।